हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए व्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी नए घर से फिर से ये दूसरा व्लॉग शुरू हो रहा है। अभी तो नया घर अभी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि हम लोग का खुद अभी मन नहीं भरा है। यहाँ देखिए ज्योति क्या कर रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, दोपहर हो चुका है, हम लेट से उठे हैं। अभी नहा वहा हम फ्रेश हुए, लंच बन भी गया। वाह, क्या क्या बनाई है देखिए। चावल, दाल, मटर का चटनी, नीम का आलू बैंगन, नीम का सब्जी, आलू सूपी का पोस्तू। वाह, और नहीं है, और क्या? पापड़ वापड़ भी बाकी है। तो चलिए, अभी लंच वगैरह सब बनकर तैयार हो गया है, इधर मम्मी भी रेडी है। और अभी आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, अभी नए घर पे देखिए कितना सारा काम है ना। अभी काम फिर शुरू हो गया, अभी ऊपर में काम होना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे ये वाला सनमाइका पॉलिश होने के बाद ही यहाँ पे टीवी को फिट करना है। ये काम एक बड़ा काम मुझे लग रहा है, जो कि वो वाला टीवी फिट करना है, बेंचमार्क वाला। तो इसको पॉलिश होगा तभी यहाँ पे ये टीवी फिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए सोफ़ा भी अभी जस्ट मैंने लगा दिया है, जस्ट 10 मिनट पहले ये सोफ़ा यहाँ पर फिट हुआ है। ये सोफ़ा एक्चुअली टेम्प्रोरी सोफ़ा है। ये सोफ़ा मेरा पहले वहाँ होता था, फ्लैट में जहाँ मैं रहता था, पॉडकास्ट स्टूडियो पे, ठीक है। तो वो सोफ़ा बहुत दिनों से रखा हुआ था, अभी फिलहाल इसको यहीं पे सेट कर दिए हैं। फिर इसका एक अलग सोफ़ा बनेगा, इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मैच करेगा। अभी फिलहाल तो ये कलर इसमें मैच नहीं कर रहा, तो ये सोफ़ा अभी ऐसे ही लगा दिए, क्योंकि बैठने उठने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए लगा दिए हैं। और मोटा इधर देख रहे हैं ना, गेट खुलने से वेट करता है कब गेट खुले और हम भागे। तो चलिए, अभी क्या क्या काम चल रहा नहीं चल रहा वो हम दिखाते हैं। इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, देख रहे हैं, ताक रहा है कैसे खुले अगर हम भागेंगे। बहुत चालाक, गेट बंद रखते हैं हर टाइम। तो चलिए, इधर क्या कर रही है, क्या एक नल दो, यहाँ पानी देंगे। ये देखिए यहाँ पर पेड़ में अभी पानी देना है इसको, हम लगाए वैसे अभी तो मिट्टी गीला गीला ही दिख रहा है। कल दिए हैं ना, दे भी देते। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर गार्डनिंग एरिया है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरह बीट बनेगा पूरा। हाँ। बीट बनने के बाद ये सारा पेड़ जो है ना, वो मिट्टी ओरिजिनल मिट्टी में लग जाएगा, गमला से हटा देंगे इसको। तो अभी ये सारा काम बाकी है। और ये देखिए अलग अलग कौन कौन सा फूल है पता नहीं, सब यूनिक फूल है एकदम, देख रहे हो ना। इसके लिए लगवाएं, इसके लिए, इसको फूल से बहुत ज्यादा ही लगाव है। और धीरे धीरे हमको भी हो गया है, पता नहीं। हाँ, तो ये किसको नहीं कर सकता। हम प्रेमानंद महाराज के वहाँ गए थे ना, तो उनका एक गार्डन ही था पूरा फूल का। हाँ। तब देखे कि नहीं, ये सब जरूरी है, फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जरूरी है। तो पेड़ भी लगाएंगे घर के बाहर, दो पेड़ भी लगाएंगे। हाँ, टाइम स्पेंड, वाइब अच्छा आता है, शांति फील होता है, सुंदर लगता है देखने में। तो अभी दो पेड़ जो है ना, सोच रहे हैं बाहर में दो पेड़ भी लगाने के लिए, वो वाला एक कॉर्नर पे जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उधर वाला कॉर्नर पे। तो घर पूरा बनने के बाद ही करवाएंगे। और अभी देखिए घर का बाहर का काम तो अभी भाई पूरा ही बाकी है, ठीक है। अभी कलर वलर कुछ नहीं हुआ है, और इसमें अभी दिमाग लगा रहे हैं इसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे इसको सजाना है। 30% ही काम हुआ, अभी 70% बाकी है। तो अभी तो घर का शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी जस्ट आप लोगों ने सिर्फ हॉल और दो बेडरूम देखा है, अभी मेन जो है ना बहुत सारा काम बाकी है, जो कि आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा। रेगुलर अपडेट मैं देता रहूँगा। फिलहाल अभी चलिए ऊपर दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। इधर देखा, अभी सीढ़ी में ये सब रेलिंग वगैरह लगना है, शीशा लगना है, चप्पल है, फिर अभी पापा वाला चप्पल पहन के जाएंगे, कुछ काम पड़ेगा, अभी चिल्लाने लगे यहाँ पे। हाँ, हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो ये रेलिंग यहाँ पे लगेगा, इसमें शीशा लगेगा, ठीक है। और ये जो वॉल देख रहे हो ना, इसमें डिजाइन बनना है, इसमें पता नहीं कोई डिजाइन बनेगा। इस सब में लाइट्स भी लगेगा, और सीढ़ी में भी लाइट है, इसमें वार्म लाइट्स फिट होगा सारा सीढ़ी में रही यहाँ पे ये सब में। तो जब लाइट्स जलेगा ना सीढ़ी में, तो रात में गजब का वाइब आएगा, गजब दिखेगा। यहाँ भी एक पेड़ है, और अभी काम चल रहा है इधर पुट्टी का, मिस्त्री लोग अभी ऊपर में पुट्टी कर रहा है। हाँ, थोड़ा उधर जाएंगे। तो अभी ये ऊपर देखिए पूरा सेक्शन पुट्टी हो रहा है, इधर भी ये ऊपर वाला सीढ़ी में भी रेलिंग वगैरह लगना है, आराम से आराम से। और इधर हमारे फर्नीचर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्या काम चल रहा है मिस्त्री अभी? दो पल्ला का काम चल रहा है। दो पल्ला मैंने यहाँ गेट ना। तो ये हमारा है मास्टर बेडरूम, जो कि मेरा पर्सनल बेडरूम है, अभी तो मैं नीचे रह रहा हूँ, फिर यहाँ हम शिफ्ट हो जाएंगे। और इसमें अभी पूरा अब काम जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। बेड देखिए आधा बना है, उधर कवर्ड बना है, ये वॉशरूम है इधर। तो ये वाला काम भी अभी धीरे धीरे देखते हैं कब तक होगा। अगर अभी से लग जाइएगा तो एक सप्ताह में हो जाएगा ना। हाँ, पूरा रूम रेडी। और ये वाला रूम जो है ना पूरा अलग है, इसका सिर्फ ये वाला वॉल का आप लोग को हम डिजाइन दिखा देते हैं, बाकी बनने के बाद पता चलेगा। ये देखिए तो ऐसा बनेगा। अच्छा। ये जो ड्रेसिंग रूम देख रहे हैं, जो शीशा लगा, ये वाला है, यहाँ पर बन रहा है।
ये पूरा यहाँ पैनलिंग होगा ये वाला वॉल पे, और फिर यहाँ टीवी लगेगा, फिर यहाँ टीवी यूनिट बनेगा, और वो रहा वॉशरूम वाला गेट उधर। तो ये वाला जो है डिजाइन पूरा इस वॉल का है, उधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को बनते बनते। अभी काम चल रहा, अभी दो गेट लग रहा है उधर, फिर आज सोफा का भी लकड़ी अभी आ रहा है, सोफा भी बनना शुरू हो जाएगा ना मिस्त्री, तो सोफा भी बनना शुरू होगा अभी, नीचे का सोफा और डाइनिंग टेबल ये दोनों बनाना है। तो ये सब काम अभी पूरा बाकी है, बाकी अंदर तो बाकी ही है, अंदर देख रहे होंगे इधर स्टूडियो वगैरह पूरा बाकी ही है, एसी वगैरह अभी लगना है सब, तो काम तो बहुत है। अभी थोड़ा सा हुआ है ना मिस्त्री, अभी बहुत मेन चीज बाकी है। ये वाला रूम तो बहुत अलग है, ये बनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, और स्पेस भी अच्छा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रूम है, ये बनने के बाद पता चलेगा ना, फिर दिखाएंगे वीडियो में पब्लिक को कैसा दिख रहा है। चलिए, तो ये हमारे भाई कर रहे हैं बाहर का टेक्सचर वाला काम, जो टेक्सचर का हो रहा है ना पेंट बाहर में, देखिए टेक्सचर वाला पेंट हो रहा है। अभी यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बाहर से दिखाना पड़ेगा। अच्छा चलिए दिखा देंगे, अभी नीचे जाएंगे तब। तो अभी तो देखिए काम वगैरह बहुत तेजी से चल रहा है, बाहर का टेक्सचर का कलर वगैरह भी हो रहा है, खिड़की वगैरह भी बहुत सारा ऊपर में लगना है, ऊपर का दो तीन बेडरूम है वो बनना है, स्टूडियो बनना है, काम बहुत सारा है अभी, मतलब ऑलमोस्ट मानो कि 70% काम अभी पूरा बचा हुआ है, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, हो ही जाएगा दो तीन महीने में, कॉल आ रहा है। बाकी गाइज आप लोग का बहुत सारा कमेंट वगैरह आ रहा है कि मनोज भाई इस घर को बनाने में कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, तो आप लोग तो काम देख के पता है, एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि खर्चा तो भाई बहुत हो रहा है, नेक्स्ट लेवल खर्चा हो रहा है। लेकिन क्या है कि घर में इंसान एक ही बार बनाता है लाइफ में, तो सोचा कि जो हो रहा है होने दो, फिर उसके बाद तो और घर नहीं बनाना है। बाकी कितना खर्चा हुआ ये चीज़ बताएंगे जब बन जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, पूरा बनने के बाद एक बार बताएंगे एस्टिमेट क्या खर्चा आया नहीं आया। ठीक है, वेट करो, 3-4 महीना अभी और लगेगा मिनिमम, है ना, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन हो जाएगा 3-4 महीने। पूजा तक पूरा एकदम, मेरा बर्थडे तक करना है किसी तरह, जुलाई में बर्थडे है, तो काम रुकवा दिया। लेकिन बात यह है ना, इधर बहुत सारा ओकेशन है, जैसे अभी होली है, अब होली में मिस्त्री लोग घर चला जाएगा, वो लोग बोला ना कि 3 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा 3 दिन, 1 वीक तो 7 दिन से 10 दिन लगा के आएगा देखना। तो अभी काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, अभी बहुत सारा इधर त्योहार वगैरह है, तो देखते हैं जल्दी ट्राई करेंगे, बाकी और क्या ही कर सकते हैं। और बहुत अर्जेंट है कि जल्दी बन जाए मेरा स्टूडियो, क्योंकि फिर वीडियो वगैरह मुझे बनाने के लिए फिर मुझे पुराना घर पे अभी जाना पड़ेगा। अभी तो स्टॉक में 2-3 वीडियो था पहले से बना हुआ, तो अपलोड हो रहा है, अभी एक वीडियो और बचा हुआ जो कल अपलोड हो जाएगा, तो आज ही डालेंगे, फिर हमको कल जाना ही पड़ेगा पुराने घर पे वीडियो बनाने के लिए, तो अभी वहीं अप डाउन लगा हुआ रहेगा। तो चलिए अभी खाना वाना खाते हैं। तो अभी लंच वगैरह कर लिए जस्ट 2 मिनट पहले, और ये सोफ़ा लगाए हैं तो ये आराम मिल रहा है अभी बैठने के लिए, पहले एकदम खाली था पूरा हॉल में, बैठने का जगह ही नहीं था, अब आराम से यहाँ पे बैठने का बन चुका है, फिर यहाँ पर स्पेशल सोफा भी बनेगा। ये वाला कांस्टो की दुकान में बोलेंगे, अभी किशन चाचा लोगों को ला देगा, स्पेशल सोफा अभी बनना बाकी है, फिर वो बन जाएगा। अभी ये वाला ले आइए, अभी बैठने के लिए ठीक, क्योंकि अभी वो नया सोफा होगा ना, अभी डस्ट मिलेगा, अब नया सोफा अभी बनने में लगेगा 10 दिन, 10 दिन तक ठीक इसमें काम चला, काम बंद रहे, फिर ये वाला सोफा उसके बाद इसको स्टूडियो पर लगा देंगे, फिलहाल अभी यहीं पर रहेगा ये। सो गाइस आज का ये ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।